सर आवाज नहीं आ रही है। पता यस सर। यस सर। एक बटन बनती तो आवाज कैसे पहुंचती आप तक? आपके और हमारे बीच की एक छोटी सी बटन बनती है, उसको हमने शुरू कर दिया, अब आवाज आपके पास पहुंच रही होगी। ठीक है। कल मैंने सुना आप पोला था, आप लोग कहीं कहीं लेके गए कि नहीं लेके गए? अरे सर लॉकडाउन कोरोना। नहीं तो कल तो कमाई का दिन था, नहीं अच्छी खासी कमाई यस होती थी। आई रिमेम्बर माई यस डेज, सर। आई यूज्ड टू अर्न एटलीस्ट 82-90 रुपीज। हमारे वहां 80 रुपए बहुत हुआ करते थे, तुम्हारे वक्त में भी 800-900 रुपए तक पहुंचा हुआ नंबर। ठीक है तो शुरू करते हैं। रेडिकल आईआईटी एंड मेडिकल प्रेजेंट्स यू, आई एम अमोल शेगांवकर, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट एंड मास्टर्स आईआईटी दिल्ली। कभी बोलना अजीब हो जाता है, मैं बोल देता हूँ। ठीक है शुरू करते हैं। टुडेज लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बट वो पढ़ने से पहले वेव क्यों पढ़ रहे हैं ये जानने के लिए हमें जानना होगा रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या थे। तो शुरू करेंगे, हमने लास्ट टाइम कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे राम के ऊपर, तो उन न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। वो न्यूमेरिकल कंटिन्यू करने के बाद विल मूव टूवर्ड्स ड्रॉबैक। वंस ड्रॉबैक आर डन, देन विल मूव टूवर्ड्स वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड फाइनली विल मूव टूवर्ड्स देयर एग्जाम्पल्स। ठीक है, आज ये सारा कुछ खत्म करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल हमने किया था क्या लास्ट टाइम? कि होमवर्क दिया था, होमवर्क दिया नहीं था, सर, होमवर्क दिया ऐसा नहीं था, किया थे। नो होमवर्क दिया था, होमवर्क दिया था। नहीं सर। सर, चलो फिर करते हैं। आपके लिए मैं एक करके दिखाता हूं। ठीक है, राम जी ने क्या कहा याद है? राम ने क्या कहा? 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon RC is equals to half mv square। वेरी नाइस। 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by RC equals to हाफ वन एमवी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो अभी ये है आपका न्यूक्लियस, इसका चार्ज एक क्यू टू, इसको हीट कर रहे हो चार्ज एक, किसे हीट कर रहे हो? अल्फा से। दूसरी अल्फा जिसका चार्ज है क्यू वन, इतना पता है हमें। इस क्यू वन की वेलोसिटी वी है, इसी का मास एम है, और आरसी क्या है? जितने क्लोज डिस्टेंस पे पहुंचेगा उसके बीच का डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अच्छा राइट? अभी ये अल्फा पार्टिकल यहां से निकला, इस न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो अब इसका चार्ज Q1 था और उसका चार्ज Q2 था। वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁻¹। Q1 कितना है? Q1 इज अल्फा, अल्फा का चार्ज कितना है? 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹। अरे अभी तक तो हम सिर्फ 2 लिखते थे, अभी 1.6 × 10⁻¹⁹ क्यों लिखना शुरू कर दिया? क्योंकि अभी मुझे कटपिट नहीं रहा, इट्स नॉट अ रेशियो। नाउ आई नीड अ एब्सोल्यूट चार्ज। देखो आपको मैंने एक चीज बताया था कि एक रिलेटिव चार्ज होता है और एक एब्सोल्यूट चार्ज होता है, तो अभी अगर यहां रेशियो नहीं ले रहे हो तो यू हैव टू यूज विच चार्ज? वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू। माइक भी ऑन कर लो तो थोड़ा सा मुझे सुनाई भी आएगा क्या बोल रहे हो। ठीक है, और Q2 चार्ज किसका है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 50, पता सर, वो होगा पीएफ और है ना एसएन क्या है क्या बेटा? सर? वो पीएफ एंड एसएन PF और SM कहा? मुझे नहीं दिखा। सर, अल्फा पार्टिकल पीएफ काइनेटिक एनर्जी सर हाँ, दिस इज क्वेश्चन में। पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। नहीं सर ना, क्वेश्चन में जो अल्फा पार्टिकल्स पीएफ हाँ काइनेटिक ओके, वो एनर्जी। पीएफ नहीं है, अल्फा पार्टिकल ऑफ है, ऑफ, प्रिंटिंग एरर। ओ ठीक है, हाँ तो अब आते हैं इस साइड। कितना था दूसरे का चार्ज? कितना है? 50 × 1.6 × 10⁻¹⁹, और रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना है? अरे वो तो निकालना है। ये पूरी वैल्यू क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? 5.4 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब कितना होगा? 10⁻¹, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का कन्वर्जन फैक्टर भी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एसआई यूनिट में सॉल्व करना चाहिए। एसआई यूनिट क्या है? एनर्जी का जूल। बट दिया है किसमें डेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें चाहिए किसमें? जूल में। अभी क्या करेंगे, ये डेटा बहुत कॉमनली यूज होगा, ये डेटा बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होगा, एक तो याद रखने की कोशिश करेंगे, उसके अलावा नोटबुक के पहले पेज पे लिख के रख लो। इससे फायदा क्या होगा, जब भी डेटा यार याद नहीं आया ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधा पहला पेज खोलेंगे इंडेक्स वाला, वहां लिखा हुआ मिलेगा। यस ठीक है, तो इंडेक्स पेज पे लिख के रख लो इसको। कितनी वैल्यू है उसकी? 1.6 × 10⁻¹⁹। अभी देखो क्या क्या कटता है, ये और ये कट गया राइट, बाकी बाद में काटते हैं, बाकी अगले पेज पे ले चलते हैं ठीक है। तो दिस इज 9 × 10⁹ और क्या था उसके बाद 2 × 50 100 और एक था 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन आर सी, दिस वॉज 5.4 × 10⁻⁶। ठीक है, देखो इस साइड से हमने काट दिया था, ये रह गया, इस साइड हमने ये लिख लिया, हमने 2 × 50 100 लिख लिया, ये लिख लिया, आर सी लिख लिया, सारी चीजें उस साइड कॉपी कर ली। अभी आर सी को एक साइड ले आते हैं और बाकी सबको एक साइड ले जाते हैं, तो 9 × 10⁹ ये भी एक नंबर के बाद था तो ऊपर नीचे हटा दिया। 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54। देखो टेबल आने चाहिए 20 तक, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो ठीक है। 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54। अभी बड़ा सिंपल हो गया, दिस इज 100/6। अब बाकी देखो 10⁻¹ और −19 कितना -8, 10⁻¹ −8 और नीचे कितना 10⁻¹, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -16। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 and 250 = 100। 1 0 हटा दूंगा तो ये पावर 16 का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 minus 15. We'll left with RC equals to 5/3 × 10⁻¹⁹ −15। Units क्या है? Meters। समझ में आया? Calculation देखो, मैंने ज्यादा calculation करने की कोशिश नहीं की, मैंने स्टार्टिंग में कोई भी चीज स्टार्टिंग में काटना नहीं शुरू किया, बस जो डायरेक्ट काटना था उसको काट दिया, बाकी सबको लिखते हुए आगे बढ़ता गया और आखिरी स्टेप में सब काटना पिटना शुरू किया। कभी भी ये चीज याद रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इनिशियली सिर्फ वैल्यूज पुट करो, रीअरेंज करो भले, बट काटो पीटो मत। क्या होता ना, मे बी वो नंबर बाद में बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो, होता क्या है कभी कभी वो नंबर इजिल कटने वाला होगा, बट आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो नंबर कटेगा नहीं। जैसे अगर मान लो मैं 9 को इससे 1.6 से मल्टीप्लाई कर देता पहले ही, ये 1.6 छूट गया ना हमारा, ये 1.6 ये एक छूट गया ना, बताया नहीं तुम लोगों ने, इनटू इधर कर तो ये 16 रह जाएगा ना, आपने 1.6 5/3 × 1.6 16 × 5 = 80/3 × 10⁻¹⁹ −15 तो ये कितना जाएगा 8/3 × 10⁻¹⁹ −14 meters। अभी मुझे बताया 8/3 = 2.67 कितना होता है, 8/3 = 2.67। अभी जिन लोग को रेशियोस तुरंत तुरंत सॉल्व करना नहीं आते हैं या कैलकुलेशन में समय लगता है ना, मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक कभी तो भी किसी को पढ़ाया हुआ है, वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना उसको यूट्यूब पे आज अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद उसकी लिंक है ना अपने ग्रुप पे शेयर कर देंगे ठीक है, मतलब आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि दो लेक्चर की लिंक मैं शेयर करूंगा, एक जिसमें फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, वो फ्रैक्शन किससे हेल्प करेंगे कैलकुलेशन करने में वो, और दूसरा वाला मैं डालूंगा यूनिट कन्वर्जन्स, मतलब मेगा से किलो, किलो से माइक्रो, माइक्रो से एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से पिको, ये कैसे फटाफट खेल सकते हैं, इसके ऊपर दो लेक्चर्स में डालूंगा आज और दोनों के लिंक आपको दूंगा, तो आप देखना चाहोगे या नहीं चाहिए? ओके सर, देखने जाएंगे। नहीं सर, मैं दोनों लेक्चर की ना लिंक है मेरे पास, मैं उसको मेरी पढ़ाई हुई है, मैं आपको उसको
मैम को बोलूंगा शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है गाइस? याद क्लियर हो गया? यस सर। तो दिस इज आरसी क्लोजेस रखो 8/3 × 10⁻¹⁴ मीटर। गॉट इट? यस पूर्णिमा। यस सर। ठीक यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक बार पीछे की स्लाइड दिखाओ ना सर। श्योर। देखा सर? हाँ बेटा बोलो। एक बार रिपीट कीजिए ना। तुम लेट आए ना? हाँ नहीं कर रहा। प्लीज समय पे आना शुरू करो। सर मेरे क्लासेस होते हैं इसीलिए थोड़ा लेट होता है। बेटा टाइम पे तो आना पड़ेगा क्योंकि मैं एक दिन रिपीट करूंगा, दो दिन रिपीट करूंगा, नहीं समझेगा 10 बार रिपीट करूंगा। बट आप लेट आ रहे हो उसके लिए मैं रिपीट करूं ये सही बात नहीं है। मैं आज रिपीट कर देता हूं बट ट्राई टू बी ऑन टाइम फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ठीक है? यस आई जस्ट रिमेंबर दैट, है ना? मैं लास्ट टाइम मैंने बोला था मुझे ज्यादा याद आ रहा है। तो हमने राम लगाया, राम में ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी किया, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2 और RC होता है। Q1 क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का चार्ज होता है। Q2 किसका चार्ज होता है? टारगेट का चार्ज होता है। और ये Q1 जब Q2 को टकराता है तो एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है जब वो मिनिमम एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आता है। तो राम लगा के इक्वेट किया, वैल्यूज पुट की। अब मैंने अल्फा की वैल्यू जो है चार्ज 2 नहीं पुट किया, सिर्फ 2 × ये नंबर पुट किया। क्यों? इस बार मुझे एब्सोल्यूट चार्ज पुट करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो नहीं है। तो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मुझे रिलेटिव वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, ठीक है? फिर इसको पुट किया, फिर इक्वेट किया, फिर अगले स्लाइड में इसको सॉल्व किया, तो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया। डन? यस। चलो नाउ विल मूव टू अ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक। सर पीछे के स्लाइड में सर है ना, सर वेलोसिटी की वैल्यू 1.602 है ना सर? वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ है बेटा? हाँ वो कन्वर्जन 1.602 जो होता है इसको हम नॉर्मली 1.6 लेके ही सॉल्व करेंगे, 0.2 लेने की जरूरत सर। बट वो है ना वैल्यू दी हुई है तो वो ही लेने पड़ेंगे, तब भी 1.6 लेके ही सॉल्व करेंगे। ओके सर। क्योंकि 1.602 को अगर तू सेकंड डेसिमल पे भी राउंड ऑफ करता तो 1.60 होता। हाँ सर समझ में आया क्या? इसके लिए हमें, और हमें नॉर्मल सेकंड डेसिमल तक राउंड ऑफ करके सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। तो अगर सेकंड डेसिमल पे भी राउंड ऑफ करता है तो 1.60 से काम चलता। तो हमने 1.60 या 1.6 बात तो एक ही है, ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ तो अगले बार याद रखना हम 1.602 कभी नहीं लेते, हम हमेशा 1.6 लेके ही सॉल्व करेंगे। मैं जानबूझ के डिटेल में दी थी, इसलिए दी थी कि आपको पता हो कि भले मैं 1.6 लेके सॉल्व कर रहा हूं बट वैल्यू इज एक्चुअली 1.602। वो आपके जानकारी के लिए लिखा था जानबूझ डिटेल में पूरा, ठीक है? तो अब आते हैं रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स पे। अब ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करूं तो पहले रदरफोर्ड ने क्या बोला वो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम ड्रॉबैक्स में जाएंगे। नहीं रिद्देश? रिद्देश कैमरा ऑन कर ले। कुछ कुछ तो होते हैं जो हाँ कैमरा ऑन करते हैं, वो भी आज बंद रखेंगे तो कैसे होगा? हाँ तो रदरफोर्ड ने बोला कि भाई एटम जो है खाली और एम्प्टी है, ठीक है? जो भी उसका मास है कहाँ पे? सेंटर पे है। सेंटर का चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए जिसका नाम न्यूक्लियस है, और पूरा एटम का मास इसी न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए। उसने और एक चीज बोली कि भाई जो एटम है उसके उसके अंदर सेंटर पे अगर न्यूक्लियस है तो उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वो इस पॉजिटिव के अंदर नहीं है, वो इसके आजू बाजू गोल गोल घूम रहा है। अगर वो इसके आजू बाजू गोल गोल घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन है, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू रिवॉल्व करेगा। ये रदरफोर्ड ने सारे कंसेप्ट हमको बताए। अब ड्रॉबैक कहां आया? क्या हुआ ना कि मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो अगर मूव कर रहा है तो अगर वो चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है तो वाई डायरेक्शन में उसके आजू बाजू क्या बनेगी? एक फील्ड बनेगी, फील्ड बनेगी, एंड दैट फील्ड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्स में ये जा रहा है तो वाई में देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन
और मूव हो रहा है तो उसके आजू बाजू और एक फील्ड जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड और ये सारी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद करो तो अच्छे से होगा। मेरे थोड़े डायग्राम्स समझ में आ गए होंगे। वैसे देखो ऐसा देखो, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर ऐसा है तो ऐसे रेडिएशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक रेडिएशन है। तो अगर ऐसे कोई रेडिएशन हो जिनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेंगे। किसने बोला ये? मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल। तो अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, एक पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। जब वो ट्रेवल कर रहा होगा तो उसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अगर वो जनरेट होगी तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी लूज होनी चाहिए। उसने उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाए थे कि भाई मैक्सवेल ने कि कोई भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और अगर एनर्जी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 न्यूक्लियस में गिर जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, गिर जाना चाहिए। बट ऐसा तो होता नहीं क्योंकि एटम इज क्वाइट स्टेबल। अगर एटम स्टेबल नहीं होता तो आज के डेट में संसार ही नहीं होता। नहीं होता है ना। अगर एटम के अंदर न्यूक्लियस हमेशा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा उससे दूर ही रहता है, कभी उसके अंदर आके डूबता नहीं। पर मैक्सवेल ने बोला भाई अगर मेरे हिसाब से तो कोई भी चार्ज पार्टिकल उठा लो, अगर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करना चाहिए। तो रदरफोर्ड से पूछा गया भाई तुमने बोला ना इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा, कैसे घूम रहा बताओ, उसकी एनर्जी क्यों नहीं लूज हो रही? रदरफोर्ड बोले नहीं पता। एंड दैट वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक। That was the first drawback. समझ में आया क्या? क्यों अगर रदरफोर्ड ने बताया सही था, रदरफोर्ड गलत नहीं था। अब मान लो मुझे कोई चीज नहीं आ रही है और तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हारे दिमाग में वो खटकेगा ना कि मेरे टीचर ने कोई चीज बता नहीं पाए। फिर तुम क्या करोगे? तुम मेहनत करोगे, फिर तुम मेहनत करके उस चीज का रीजन दोगे। एंड दैट वाज अ बोर। बोर वाज अ स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। बोर ने क्या किया? रदरफोर्ड ने जो रीजन नहीं दे पाया उसका रीजन किसने दिया आगे चलकर? बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, वो एनर्जी क्यों नहीं लूज करता, उसका रीजन बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक हो गया। गलत नहीं था, मैंने ये नहीं बोला गलत है। आई एम टेलिंग यू इट्स अ ड्रॉबैक कि ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके लिए ड्रॉबैक है। बट वो गलत नहीं था। दूसरी चीज उसने क्या किया कि बोला एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस के अंदर ये सारा पॉजिटिव चार्ज है पूरे न्यूक्लियस के अंदर, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है आपका, इसके अंदर सारे प्रोटॉन इसी के अंदर है। यस सर। और सभी प्रोटॉन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। सभी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। सभी प्रोटॉन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। अगर सभी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो भाई अगर सभी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या सोचो? सभी इतनी छोटी सी जगह में अगर बांध के रख दोगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा या नहीं होगा? रिपल्शन होगा। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, बाकी सब में एक से ज्यादा होते हैं। रीजन भी दिया था, न्यूट्रॉन होता है जो उनका एक्चुअली रिपल्शन को कम करता है, याद आ रहा है? यस सर। अभी बट अभी रदरफोर्ड बेचारा यहाँ अटक गया कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1938 में, इसने बेचारे ने मॉडल दिया 1909 में, तो 28 साल पहले तो सपना तो नहीं पड़ेगा इसको कि कैसे आने वाला है। तो इसने बोला भाई होते तो वही पे कंफर्म है क्योंकि मेरा अल्फा जाके वही रुक के वापस आया था। डिटरमिनेशन है, बट उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ये प्रोटॉनिक रिपल्शन आपस में कैसे खेलेंगे, ये रिपल्शन कैसे मिनिमाइज होंगे जिससे न्यूक्लियस स्टेबल है, वो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाया। दैट इज सेकंड ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक क्लियर था कि भाई इलेक्ट्रॉन डूबना चाहिए था स्पाइरल पाथ करते हुए, बट डूबा नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। प्रोटॉन उसी के अंदर है, ये बात भी सही थी कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि न्यूक्लियस पे ही पूरा चार्ज है पॉजिटिव वाला, बट वो उस छोटी जगह में बिना रिपल्शन की कैसे जिंदा है? अगर न्यूट्रॉन पता होता उस जमाने में तो मे बी रदरफोर्ड का ड्रॉबैक नहीं होता। नहीं होता, बट न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी इसके लिए ड्रॉबैक हो गया। ये तो क्लियर है। फिर ये हो गया पहला ड्रॉबैक, ये हो गया आपका। अभी तीसरे ड्रॉबैक में, अभी हमने क्या बोला कि ये न्यूक्लियस है, इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
मान लो कोई एलिमेंट है फॉर एग्जांपल आयरन, एटॉमिक नंबर 26, तो इसका अगर मैं बोर वाला डायग्राम बनाऊं तो पहले इसमें दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे इसमें एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, तीसरे इसमें भी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ आठ सोलह दो अठारह, और आखिरी वाले में भी कितने जाएंगे बचे हुए आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, मतलब कितना होगा 8.8.8.8. This is the electronic configuration जो आपने स्कूल में भी पढ़ा है. Yes sir. अरे किसने बताया? किसने बताया? बोर. बोर साहब ने बताया कि भाई पहला शेल को K बोलेंगे, दूसरे शेल को L बोलेंगे, तीसरे को M बोलेंगे, चौथे को N बोलेंगे. But अगर ये K L M N शेल में दो और ये पहला शेल पास रहेगा उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरा शेल उससे दूर रहेगा, ये सब चीजें किसने बताई? बोर ने बताई. बट जब रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की आजू बाजू गोल गोल घूमेगा, तो मैं बताना चाहिए था ना कितने दूर पे घूमेगा, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ घूमेंगे क्या, अगर एक साथ घूमेंगे तो क्या उनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा क्या, कितने पेयर घूमेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी रदरफोर्ड साहब ने नहीं दी. बट साइंटिस्ट लोग तो देखो क्या होता है ना, ये दुनिया बड़ी जलकुकड़ी है. कैसे? अगर रदरफोर्ड ने कोई थ्योरी दी तो लोगों को पछने वाली थी क्या? नो सर. ये पक्का था कि रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से थी, तो गलत तो हो नहीं सकते. ठीक है, अब गलत हो नहीं सकती तो क्या कर सकते हैं? चलो रीजन पूछ पूछ के जब तक गलत साबित ना हो जाए या जवाब देने लायक ना बचे तब तक रदरफोर्ड से सवाल पूछेंगे. बेचारा पहला सवाल नहीं दे पाया, दूसरा प्रोटॉन का रिपल्शन नहीं दे पाया, तीसरा पूछा चलिए काम कर इलेक्ट्रॉन तो बता दे कैसे रहते हैं, गोल गोल घूमते हैं, अभी तो गोल गोल कैसे घूमते हैं उसके बारे में कोई जानकारी रदरफोर्ड साहब नहीं दे पाए. नहीं दे पाए तो भाई ड्रॉबैक हो गया. इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता था. हाँ मैं बता दूं, बोर ने ये जो दिया ना 2.8.8.8 ये गलत है. 8.16 ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे से गोल गोल घूमते हैं ना ये गलत है. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स इसी चैप्टर में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तब मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है और कहाँ घूमता है. ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व ही नहीं है. और अगर मैं बोलूं एक चीज समझाता हूँ, थोड़ा सर के ऊपर से जाएगा, मेरे बॉडी का इलेक्ट्रॉन आपके घर के अंदर भी मिल सकता है. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स सेज. मेरे बॉडी का किसी एटम का एक इलेक्ट्रॉन आपके घर के अंदर तक उसका रेंज हो सकता है. ऑब्वियसली वहां नहीं होगा, बट प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, संभावना है कि आटम का मेरा न्यूक्लियस उतने दूर के इलेक्ट्रॉन को भी कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन दे सकता है ना, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा, बहुत कम रहेगा, इसलिए चांसेस बहुत कम है, बट नहीं है ये नहीं बोल सकता. ठीक है, अब ये क्यों नहीं है ऐसा सब सवाल मैं बनाते जाऊंगा और चैप्टर खत्म होते होते इन सारे सवालों के जवाब अपने आप आते जाएंगे. ठीक है, ये सवालों से क्या होता है, इंटरेस्ट बनता है, क्यों हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, क्यों होगा. ठीक है, तो तीन ड्रॉबैक क्लियर हो गए, पहला दूसरा तीसरा. एक चौथा और था जिसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा. देखो अब ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, बट इसके लिए जो पता होना चाहिए ना आपको डिटेल्स, वो अभी आपको पता नहीं है. बस मैं इतना बता देता हूं कि एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जैसे व्हाइट लाइट को आप ब्रेक करते हो सात कलर में, तो एटम को अगर गर्म किया जाए, चटके दिए जाए, तो इसमें से भी कुछ कलर बाहर निकलते हैं. जब उसको प्रिज्म पे पास करते हैं तो वो कलर बिखरे बिखरे दिखते हैं, चिपके हुए नहीं दिखते, जैसे आपका व्हाइट लाइट का वो सात कलर एक साथ दिखता है, वायलेट इंडिगो ब्लू ऐसे उल्टे डायरेक्शन में. बट इसमें इसको जब गर्म करते हैं, झटका करते हैं, जब ठंडा होता है तो अपने आप कुछ कलर इमिट करता है, जब उसको प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो फिर कुछ कुछ कलर देखने को मिलते हैं, बट वो कलर कंटिन्यूअस नहीं होते, डिसकंटिन्यूअस होते हैं. तो अगर वो कलर डिसकंटिन्यूअस होता है तो क्यों होते हैं? जैसे आप एग्जांपल आयरन का रॉड है, आयरन का रॉड को हिट करो लाल कलर का होता है, और हिट करोगे ना तो व्हाइट कलर का हो जाता है. बट ये कलर जो बदल रहा है, मतलब कुछ कलर एमिट कर रहा है, बट ये कलर एक समान रेंज में नहीं है, वायलेट के बाद ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो, ऐसा नहीं है, बट आधे तेरे रेंज में है. तो ऐसे क्यों है, इस चीज को बोलते स्पेक्ट्रम, और वो स्पेक्ट्रम को क्यों ऐसा आ रहा है ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इतना क्लियर है गाइस? तो बेसिकली चार ड्रॉबैक हमने पढ़े, पहला स्पाइरल पाथ वाला,
EMR radiations होने चाहिए थे क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर बनती है, अगर डायरेक्शन ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, डांस नहीं कर रहा था ठीक है। तो हाँ, तो EMR रेडिएशन थे। दूसरा कि भाई प्रोटॉन एक ही जगह पे बैठ गए तो रिपल्शन क्यों नहीं। तीसरा, इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूमते तो कैसे घूमते हैं, कहाँ कहाँ उनकी जगह है बताओ। चौथा, कुछ कलर अलग अलग इमिट कर रहे थे आटम हीट करने पे, वो कलर ऐसे ही क्यों हीट कर रहे थे, इमिट कर रहे थे, इसके बारे में कोई जानकारी उसने नहीं दी। ठीक है, कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, आप पढ़ना चाहोगे तो एक बार देख लो। ऐसा स्पाइरल करके डूबना चाहिए था, डूबा नहीं। फटाफट रीड करो फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं समझा पढ़ते वक्त तो पूछना। मैंने चारों पॉइंट यहां नहीं लिखे कि मैं चाहता हूं कि आप नोट्स भी लिखो। सर लास्ट वाली लाइन एक बार पढ़ सकते हो, वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ ना, अब दिख रहा है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। छोटा कर देते हैं, आई होप दिख रहा होगा अभी। यस सर, साइड में जाता हूँ। पढ़ लिया? यस सर। हाँ यस सर, सम्यक बोलो बेटा। सर वो लास्ट, सर लास्ट लाइन में सर वो स्पेक्ट जो था एनर्जी वो कंटिन्यूअस थी, पर सर जो स्पेक्ट्रम था वो डिसकंटिन्यूअस था। हाँ, जैसे व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, जिसमें सातों कलर अपने को चिपके हुए दिखते हैं एक के बाद दूसरा, पर ऐसा नहीं होता ना कि वायलेट यहाँ दिख रहा है, स्पेक्ट्रम जब गिरता है नीचे रेनबो दिखता है, तो रेनबो में ऐसा होता है कि यहाँ एक कलर है फिर गैप है फिर दूसरा कलर है फिर गैप है, ऐसा है क्या? नहीं, सारे एक लाइन से दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बट एटम को हिट करने पे क्या होता है, रेड कलर दिख रहा है फिर गैप दिख रहा है, दूसरा कलर दिख रहा है फिर गैप दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। चिंता ना कर, जब ये टॉपिक आएगा तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा, कम से कम दो लेक्चर लूंगा मैं उसमें, दो लेक्चर मतलब ढाई घंटे होते हैं। ठीक है, यस सर। अब आते हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक्स पे। एक वेव क्या होती है, वेव में क्या क्या पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, तभी तो समझेंगे कि उसने एनर्जी लॉस क्यों नहीं की। अगर हमें बोर के आग तक पहुंचना है तो बोर ने जो जो किया उससे पहले कुछ ना कुछ और चीजें पता चली, जिसके बेसिस से बोर बोल पाया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता भले ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। सही बात, तो वो समझने के लिए वेव क्या होती है, वेव के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वेव ऐसी क्यों बनती है, ये सारे चीजों के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो क्लियर है। तो पहले बात है वेवलेंथ पे। वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्ब्डा, इट इज प्रोनाउंस एज लैम्ब्डा, लैम्ब्डा। ठीक है, अभी अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो देखो, जैसे एक this is your wave, this is sine wave, this is known as sine wave. ठीक है, अभी इसको बोलते हैं क्रेस्ट, क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और इसको बोलते हैं ट्रफ, 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 क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट नहीं, क्रेस्ट CREST एंड ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है वेवलेंथ, क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ। और एक पूरी ऊपर वाला पहाड़ और नीचे वाला पहाड़ के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ क्या है एक्चुअली, एक पूरी वेव नहीं है, पूरी वेव की लेंथ नहीं है, एक वेव बहुत बड़ी हो सकती है, उस वेव में जो चीजें रिपीट हो रही है, ऊपर का पहाड़ नीचे का पहाड़, ऊपर का पहाड़ नीचे का पहाड़, ऊपर के पहाड़ के पॉइंट का नाम दिया क्रेस्ट, नीचे के पहाड़ के पॉइंट का नाम दिया ट्रफ। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लो,
या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लो, या एक पूरा पहाड़ ऊपर का और एक पूरा पहाड़ नीचे का, दोनों का डिस्टेंस ऐड कर लो, तो जो भी लेंथ आएगी दैट लेंथ विल बी नोन एज वेवलेंथ। एक्चुअली बेसिकली ऊपर और नीचे का पहाड़ नहीं है, जो पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक पॉइंट लू, तो यहाँ वेव का एंगल कितना है वो निकाल लू, तो ये एंगल फिर इसी पॉइंट पर रिपीट होगा, तो जो उसके कोऑर्डिनेट है, सॉरी जो उसके कोऑर्डिनेट है जो रिपीट हो रहे हैं, तो जो दो सेम कोऑर्डिनेट है जहां पर रिपीट हो रहा है दैट उसके बीच का डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। मैं इसको और अच्छे समझाता हूं, जैसे एक वेव लिया मैंने, साइन वेव लेते हैं या जानबूझ के मैं दूसरा वेव लेता हूं, कॉस वेव लेता हूं, दिस इज नोन एज कॉस वेव। अभी आपको पाई समझता है क्या, पाई इन टर्म्स ऑफ एंगल समझता है क्या? नो सर, नहीं समझता। तो मैं समझाता हूं, पाई 180 डिग्री, पाई कितना होता है 180 डिग्री। बता दो कैसे, सर्कल देखा आप लोगों ने? यस सर। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है? पाई रेडियन सर। सर पाई रेडियन? हां रेडियन, पाई रेडियन। हां सर्कमफेरेंस कितना है इसका, सर्कल का? 2 पाई आर, पाई रेडियन, पाई आर स्क्वायर। तो और सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, आर तो एक्चुअली वो रेडियस ट्रैवल कर रहा है, तो इसके लिए पूरा एंगल को हमने 2 पाई को 360 डिग्री बोलेंगे, तो पाई कितना हो जाएगा? 180। तो पाई रेडियन इज एक्चुअली 180 डिग्री। तो अभी देखा जाए तो ये जो है इस एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना ऊपर जा रहा पॉइंट, ठीक है, तो यहां ये एंगल पाई बाय 2 है, फिर एंगल ये 0 है, फिर एंगल ये माइनस पाई बाय 2 है, फिर एंगल ये 0। सर्कल देखो ना, ये दो पार्ट सर्कल के हिस्से हैं, ये नीचे का सर्कल और ये जो उधर पलटा है उसको अगर इधर पलटा लूं तो ऊपर का, ऊपर का, समझ में आया क्या? तो ये पूरा एक पाए है, सर्कल 2 पाए होता है ना, सर्कल कितना होता है? पाए। तो ये आधा सर्कल कितना हो जाएगा? पाए। पाए उसका भी आधा कितना हो जाएगा? तो आप देखो यहाँ पाए बाय 2 तो यहाँ भी कितना आएगा? पाए बाय 2। यहाँ कितना आएगा? माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। तो ये फिर से यही पर्टिकुलर एंगल रिपीट हुआ है, तो जहां पे भी दो पर्टिकुलर एंगल रिपीट हो रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज एक्चुअली वेवलेंथ। मैं काफी डिटेल में घुस गया, फिजिक्स के में जाना नहीं चाह रहा था, मैं केमिस्ट्री में रहना चाह रहा हूँ, बट थोड़ा सा और डिटेल में आइडिया देना चाह रहा था इसलिए दे दिया। ठीक है, मेरा पार्ट नहीं है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, जब आपको फिजिक्स में वेव पढ़ाया जाएगा ना, आकाश से पढ़ाएंगे तब वो डिटेल में लेंगे ही। अब क्या इंजीनियर है तो इंजीनियर होने के कारण ये सब चीजें हमने हमारे खून में बैठ गया है, तो हम चाह के भी निकाल नहीं सकते, तो वो आएगा ही बीच बीच में। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी हमने समझ लिया वेवलेंथ क्या होता है, दो ऐसे पॉइंट जो रिपीट हो रहे हैं एक वेव पे उसके बीच का डिस्टेंस, डन? यस सर। ठीक है, इसको मैं कॉस वेव क्यों बोल रहा था पता है? ये कोसाइन वेव थी और ये साइन वेव थी, कि साइन वेव थीटा 0 पे 0 है, साइन पाई बाय 2 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो 1 है, ये 0 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और जब आगे बढ़ोगे तो फिर वो 0 आया। जैसे साइन क्या होता है, 0 से 1 बढ़ता है ना, और कोसाइन 1 से 0 आता है, तो ये 1 से 0 आ रहा है और ये 0 से 1 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, तो ये 0 से 1 जा रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, जैसे साइन बढ़ता है, साइन 0 होता है, फिर 1 जाता है, फिर 0 आता है, फिर माइनस 1 जाता है, फिर 0 आता है, जैसे आप एंगल डालोगे, साइन 90 इज 1, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज अगेन 0, साइन 270 इज माइनस 1, साइन 360 इज 0, देख लो ये 0 है तो 0 है, साइन 90 आ गया पाई बाय 2, 90 उसकी वैल्यू मैक्सिमम पहुंच गई, फिर साइन 180 आ गया, फिर 0 हो गया, फिर 270 आ गया माइनस 1 हो गई, फिर ऊपर गया, तो शुरू अगर ओरिजिन से हो देन इट इज नोन एज साइन वेव, बट अगर वो किसी ऊपर वाले वैल्यू से शुरू हो देन इट इज नोन एज कॉस वेव। 0 एंगल है फिलहाल, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है, 90 पे 0 है, समझ में आया? यस सर। एवरी हाफ पोर्शन इज पाई बाय 2 एंड कंप्लीट दिस पोर्शन इज पाई। यस सर। मैं ना कि पूरा सर्कल 2 पाई है तो आधा सर्कल पाई बाय 2, 1/4 क्वाड्रेंट पाई बाय 4, सॉरी
पाई बाय टू, पूरा टू पाई है, आधा पाई है और वन फोर्थ पाई बाय टू, पाई बाय टू याद रहेगा? यस सर, यस सर। अभी काम नहीं आएगा, एक साल के बाद काम आएगा, तब देख लेना, फिर से पढ़ लेना एक बार, आकर सर वैसे बताएंगे तब। इतना क्लियर है? व्हाट इज, हाँ, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है ना, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस से, दैट इज नोन एज दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस या फिर क्लस प्लस मतलब पार ऊपर का और नीचे का दोनों का एडिशन। डन? यस सर। और ऐसे बहुत सारे वेव लेंथ रिपीट होंगे तब जाके पूरी वेव बनेगी। जैसे अब मैं बोलता हूं सन की वेव अर्थ तक पहुंच रही है, उसकी वेवलेंथ 5500 नैनोमीटर है, कितने नैनोमीटर है? 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब कितना मीटर हो जाएगा? 500 इंटू 10 का पावर माइनस 9 मीटर। ये सारे यूनिट कन्वर्जन के वीडियोस में शेयर करूंगा, जब आप देख लेना। तो ये 500 इंटू 10 का पावर माइनस 9 मीटर है, मतलब बहुत छोटा हो गया ना, इतना छोटा है कि हमारे पानी के बूंद से भी छोटा होता है, मतलब जो हमारे हाथ से निकलती है ना पसीना, उससे भी छोटा, मतलब आर पार निकल जाएगी, इतनी छोटी वेव है। अगर इतनी छोटी वेव है तो इतनी दूर तक पहुंच कैसे रही? तो रिपीट हो के आ रही है, मतलब एक पूरे वेव में बहुत सारी वेवलेंथ हो सकती है ना। जैसे इसी पूरे वेव में देखो, ये एक वेव थी तो ये और एक वेव थी, तो टोटल कितना हो गया? ये दो वेव मतलब दो लैम्डा। तो एक वेव की लेंथ वेवलेंथ ऐसे वेव बहुत सारी रिपीट होकर कंप्लीट वेव बनती है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, समय क्लियर है बेटा? रिदेश? हाँ सर। आज तेरा कैमरा क्यों बंद है? फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने एफ यूज किया होगा आज तक? यस सर, फ्रीक्वेंसी। अब नया सिंबल दे रहा हूं, दिस इज, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसा लिखूंगा हमेशा, क्योंकि मेरे को इतना कर्व बना के निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, इसके लिए मैं हमेशा ऐसा बनाऊंगा। द सिंबल इज नोन एज न्यू, द सिंबल इज नोन एज एनी न्यू, न्यू, ठीक है? द सिंबल इज नोन एज न्यू, एनई यू। तो ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है जो कॉमनली यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एफ स्कूल तक ठीक था कि आपको आसान जाए, बट अब थोड़े कर्व वाले आएंगे तो ध्यान रखेंगे, दिस इज न्यू। ये तो क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अभी फ्रीक्वेंसी समझाने से पहले ना, बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं देखता हूँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में, इसके लिए पहले इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाएंगे। फ्रीक्वेंसी जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा हूँ कि चीजें कितने बार रिपीट होती है। जैसे मान लो पूर्णिमा का एग्जाम्पल लेते हैं, पूर्णिमा को, पूर्णिमा घर में आराम से सोफे पे लेट के डोरेमोन देख रही थी। क्या देख रही थी? डोरेमोन देख रही थी। मम्मी ने बोला कि जाओ दुकान से कुछ सामान लेके आओ। पूर्णिमा बोले ध्यान भी नहीं दिया, ऐसा दिखाया जैसे सुनाई भी नहीं आया। मम्मी ने बोला एक काम करना, बचे हुए पैसे का एक डोरेमोन ले लेना। पूर्णिमा की फ्रीक्वेंसी बढ़ी कि उतनी रहेगी? बढ़ेगी ना। पता चला दुकान में जाने के बाद पैसे वैसे कम पड़ गए सामान लेते लेते, अब कम हो जाएगी, अब और बढ़ेगी मम्मी के ऊपर गुस्से वाली कि धोखा हुआ है ना। अब देखो फ्रीक्वेंसी, हाँ, इसको कैसे रिलेट कर रहा हूं, कैसा है ना, इट्स जस्ट अ रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार रिपीट हो रही चीज, ठीक है? पहले उसकी टेंडेंसी जितने स्पीड से दुकाएंगे ना, उससे ज्यादा स्पीड से वो घर आएगी वापस। अब आई एम वेरी श्योर फॉर दिस, ठीक है? तो यहां क्या हुआ कि साइकिल दो हुई, दैट इज फ्रीक्वेंसी। वो कितना स्पीड से गई, कितने स्पीड से गई, उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है? कितने बार गई और कितने बार आई, मतलब साइकिल कितने बार रिपीट हुई। दैट नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ साइकिल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बट कितने देर में? एक सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर? एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर कितने बार आपकी वेव डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखित में समझाता हूं, जैसे मान लो ये एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव एंड सो ऑन। अभी मैंने यहां टाइम टी इक्वल्स टू जीरो है,
और यहां पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आते आते टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये एक वो ड्यूरेशन है जिसके अंदर समय सिर्फ 1 सेकेंड का गया, उसमें कितनी वेव आगे बढ़ गई, एक वेव, एक, ठीक है, दूसरी वेव और 3/4 वेव, राइट, ये आधी और ये और पावर, तो 3 पाव, आधा पाव, सॉरी आधा किलो और 1 पाव 3 पाव, तो 3 पाव 1 किलो 1 किलो, मतलब 3.5 किलो वेव आगे बढ़ गए, ठीक है। पता कितना वेव आगे बढ़ा, लैम्ब्डा प्लस 3/4 लैम्ब्डा, विच इज नथिंग बट कितना जाएगा 1 + 4 + 8 + 3 = 11 by 4 लैम्ब्डा, तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस नंबर इज योर Frequency. मतलब कितनी वेव 1 सेकंड के अंदर ट्रैवल हो रही है, जितनी भी वेव ट्रैवल हो जाएगी, डिस्टेंस कितना भी ट्रैवल करेगा मतलब नहीं, बट कितनी नंबर ऑफ वेव रिपीट हो गई 1 सेकंड के अंदर जब मैंने समय लगाया एक ही पॉइंट से, मतलब एक्चुअली मैं इतना डिस्टेंस दिखाया नहीं जा रहा था, मैं बोलना चाह रहा था मैं इसी पॉइंट पे खड़ा हूं, तो ऑब्वियसली अगर इतनी वेव आगे गई तो इतनी वेव इसी पॉइंट से आगे गई ना, यस सर, तो इस पॉइंट पे अगर मैं 1 सेकंड खड़ा रहा हूं तो कितनी वेव आगे गई 11/4 लैम्ब्डा वेव आगे गई, कितने वेव आगे गई 11/4, एंड दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। कांसेप्ट दिमाग में घुस गया क्या? यस सर, मैं खेलूंगा इसके साथ, अगर कांसेप्ट दिमाग में घुस गया तो मैं खेलूंगा, कांसेप्ट नहीं समझा तो मैं फिर रिपीट करूंगा। कांसेप्ट क्लियर है क्या पूर्णिमा? यस सर, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आप खड़े रहो 1 सेकंड के लिए तो कितने वेवलेंथ आपके यहां से ट्रैवल हो गई, मतलब नंबर ऑफ वेव कितनी ट्रैवल हो गई, दैट इज फ्रीक्वेंसी, मतलब दैट इज रिपीटेशन, कि वो सेम वेव रिपीट हो रही है ना, एक ही वेव रिपीट हो रही है ना फिर से, तो उसी पॉइंट पे 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव रिपीट होगी, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। डन, अभी मेरी फ्रीक्वेंसी 6 बार थी, मैंने सेम चीज 6 बार बोली 1 सेकंड के अंदर, कोशिश नहीं की होगी, बट आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, राइट। अभी इसको मैं अलग तरीके समझाता हूं, आई कैन राइट न्यू इक्वल्स टू 1/T, नाउ व्हाट इज टी, टी इज नोन एज टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड क्या होता है, अगर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/T, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 वेवलेंथ, फॉर ट्रैवल ऑफ 1 वेवलेंथ, 1 वेवलेंथ मतलब 1 लैम्ब्डा, मतलब 1 लैम्ब्डा इतना चलने के लिए कितना समय लगा, इतना चलने के लिए कितना समय लगा, That is your time period. That is your time period. पूरी वेव द 1 सेकंड में इतनी सारी वेव बढ़ गई, बट एक वेव बढ़ने में कितना समय लगा, इतना लगा, इधर क्लियर है? तो अभी मैं इसको 1/T क्यों लिखा, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्या, व्हाई आई एम राइटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/T? टाइम पीरियड क्लियर हुआ, टाइम पीरियड मतलब एक वेवलेंथ ट्रैवल करने का समय टाइम पीरियड, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव ट्रैवल कर गई वो फ्रीक्वेंसी, तो व्हाई आई एम राइटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितना बड़ा टाइम पीरियड होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, सही है, बट फिर इक्वल्स टू क्यों लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए था, कोई कांस्टेंट आना चाहिए था, है ना, मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, बताओ क्यों और कैसे? रिदेश, सिद्धार्थ, सिद्धांत, संस्कृति, एक साइकिल में जितना टाइम पीरियड लगा, एक पूरी वेव चलना मतलब एक साइकिल हो गया, तो उस वेव साइकिल के लिए जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव चल रही, मतलब कितने वेव रिपीट हो गई, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। देन व्हाई आई एम राइटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम, ये समझ में आता है कि भाई टाइम पीरियड जितना छोटा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आई अग्री, बट देन इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओनली, व्हाई आई एम राइटिंग इक्वल्स टू। हां रितेश, नहीं समझ, ठीक है, देखो मैं समझाता हूं, अभी
हमने देखा कि व्हेन आई राइट फ्रीक्वेंसी को सो 1 अपॉन टी, आप ध्यान दो आई एम एक्चुअली राइटिंग 1 सेकंड अपॉन टी सेकंड, आई एम राइटिंग एक्चुअली टी सेकंड पर साइकिल, राइट। टी सेकंड क्या है, टी क्या है, ये हम यूनिट नहीं लगते ना इसलिए क्लियर नहीं होता, ये सेकंड है ये भी सेकंड है, बट दिस इज सेकंड पर साइकिल, सॉरी पार्डन, हाँ, तो दिस इज एक्चुअली यूनिट नहीं लिखा जाता इसका, मैं यूनिट लिख रहा हूँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, वहां होते नहीं है वो, समझने के लिए समझो कि भाई एक सेकंड के अंदर मान लो टोटल अगर मैं ये एक सेकंड समझ लूं, ठीक है, एक दूरी डिस्टेंस को सेकंड समझो, तो ये टी है, तो एक सेकंड में कितने टी बैठ गए, फाइव टी बैठे है ना, पांच टी बैठ गए कितने एक सेकंड में, एक टी मतलब कितनी वेवलेंथ, वन वेवलेंथ, तो एक सेकंड के अंदर जितने टी बैठेंगे उतनी वो वेवलेंथ वहां से क्रॉस करेगी ना, एंड देयरफॉर आई कैन राइट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वन अपॉन, और हमने क्या बोला फ्रीक्वेंसी क्या, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव आगे बढ़ेगी, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं डिवाइड बाय टी जब कर रहे हैं वन को, तो एक्चुअली वी आर डिवाइडिंग दैट वन सेकंड इनटू टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, और जितने टाइम पीरियड होंगे उतने तो वेव ट्रैवल की गई होगी, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, एक वेव को चलने वाला समय, समझा कि उड़ा, समझ गया, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, डायरेक्ट रट्टा मार के आगे बढ़ते किसी को समझ में नहीं आता कहां से आया, सर रिपीट करो ना सर, रिपीट करता हूँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं दो बार रिपीट करूंगा और चिंता ना करना, एक मान लो डिस्टेंस समझ लो सेकंड को फिलहाल के लिए, तो ये पूरा एक सेकंड का डिस्टेंस है, इसको मैंने पांच हिस्सों में बांट दिया और बोला हर एक हिस्सा एक कैपिटल टी है, कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड, मतलब एक्चुअली एक सेकंड के अंदर कितने टाइम पीरियड बैठ गए, पांच, कितने टाइम पीरियड बैठ गए, पांच, पांच, एक टाइम पीरियड मतलब एक वेव, यस सर, एक टाइम पीरियड मतलब एक वेव, एक वेव, तो अगर एक्चुअली अगर ये पूरा वन सेकंड है तो ये कितना हो जाएगा 0.2 सेकंड, क्यों पांच बैठ गए, निर्देश, यस सर, अगर ये टोटल वन सेकंड है बेटा पांच हिस्सों में बांट दिया तो वन पार्ट विल बी 0.2 सेकंड, यस सर, यस सर, अगर मैं फॉर्मूले में डाल दू फिलहाल के लिए समझने के लिए तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0.2 विल बी 10 अपॉन 2 5, राइट, यस सर, तो अगर ये 5 हो रहा है मतलब एक्चुअली देखो मैंने क्या किया, एक सेकंड में अगर पांच टाइम पीरियड बैठ रहा है मतलब पांच वेव ट्रैवल करेगी, क्योंकि एक टाइम पीरियड मतलब एक वेव को ट्रैवल करने वाला समय, तो एक वेव को ट्रैवल करने वाला समय अगर कैपिटल टी है और एक सेकंड में अगर ऐसे पांच टी बैठ रहे हैं मतलब एक सेकंड के अंदर पांच वेवलेंथ भी ट्रैवल करेगी, यस सर, 5 लैम्डा, तो अगर मैं उसको 1/T ले लूं मतलब मैं एक्चुअली एक सेकंड के अंदर कितने टाइम पीरियड बैठ रहे हैं वो निकाल रहा हूं, और जितने भी टाइम पीरियड बैठेंगे उतने ही तो वेव ट्रैवल करेगी, क्योंकि टाइम पीरियड की डेफिनेशन ही है कि एक वेव का समय, यस सर, सम्यक, यस सर, समझा कि उड़ा, सर समझा, पक्का, यस सर, एवरीवन गॉट दिस, यस सर, ठीक, तो अभी हमें क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड क्यों होता है, डन, आगे बढ़ू, यस सर, ठीक है, यस सर, नेक्स्ट इज वेव नंबर, वेव नंबर का सिंबल है न्यू के ऊपर बार, वेव का सिंबल क्या है, वेव नंबर का, जैसे एक वेवलेंथ था एक फ्रीक्वेंसी था वैसे एक वेव नंबर है, मोस्टली वेवलेंथ को यूज नहीं करता, वेव नंबर वर्ड यूज करते हैं हम लोग बहुत कॉमनली, वेव नंबर क्या है, म्यू बार, न्यू बार क्यों बोला आपको समझेगा अभी, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, न्यू बार इज समथिंग बट इक्वल टू 1/λ, अब ये वही कंसेप्ट हो गया कि भाई एक मीटर में कितनी वेव बैठेगी, जैसे एक सेकंड में कितने टाइम पीरियड बैठ रहे थे ना, वैसे अगर एक मीटर लेंथ ले लू, एक मीटर लेंथ में कितने वेव बैठेंगे, कितने लैम्ब्डा बैठेंगे, दैट इज योर वेव नंबर, यस सर, और न्यू दिया बट ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी न्यू यूज कर चुका था, इसके लिए इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक न्यू बार, बार मतलब ये वही हो गया कि भाई अगर ये एक मीटर डिस्टेंस है तो इसके अंदर कितने वेवलेंथ, तो ये होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो न्यू बार की वैल्यू कितनी जाएगी,
अगर ये टोटल एक मीटर है तो ये कितना जाएगा, 1/8 दैट इज वेव नंबर, सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया तो वेव नंबर तो ऐसे हो गया होगा, समझा कि नहीं समझा? जैसे yes, एक सेकंड के अंदर आप टाइम पीरियड बांट दिए तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, वैसे एक मीटर वेवलेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव बैठेगी, दैट इज योर वेव नंबर। नंबर पक्का? यस सर। ठीक है, देन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उनकी जो स्पीड होती है ना, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितनी होती है मीटर पर सेकंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, लाइट भी क्या है, एक EMR ही है, ठीक है। एंड एज लाइट बीइंग अ EMR, कौन से EMR होते हैं मैं बताऊंगा आपको, आज ही बता रहा हूँ। तो वो सारे EMR की स्पीड कितनी होगी, 3×10⁸। मतलब जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करो और आपको स्पीड नहीं दिया हुआ रहा तो आप खुद समझ जाओगे कि अगर EMR के बारे में बात चल रही है तो स्पीड कितनी है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज द हिडन डेटा व्हिच इज नॉर्मली नॉट गिवन इन द न्यूमेरिकल, बट ये आपको समझना है कि EMR के बारे में बात चल रही है तो वेलोसिटी खुद अज्यूम करनी है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इतना क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है, तो अब हमें स्पीड ऑफ वेव क्लियर है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम। तो अगर डिस्टेंस में एक लैम्डा ले लूं तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। हमने टाइम पीरियड क्या बोला, एक लैम्डा चलने वाला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर एक लैम्डा ले लूंगा तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। बट टाइम पीरियड के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। यस सर। 1/ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो वी गॉट अ फॉर्मूला, सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। Yes, अरे इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये लैम्डा ऊपर है, म्यू बार क्या था, 1/ लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1/ म्यू बार। तो और एक फॉर्मूला बन गया, और एक हमने लिखा ही था, सी इक्वल टू लैम्डा बाय न्यू। तो आप ये आपस में ऐसे इंटरलिंक कर सकते हैं। इसको मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि आगे चलकर न्यूमेरिकल्स में हेल्प आएगा, कि वेलोसिटी दी रही, फ्रीक्वेंसी दी रही तो लैम्डा निकाल सकते हो, वेव नंबर दिया रहा, सी दिया रहा तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, वेव नंबर दिया रहा तो लैम्डा भी निकाल सकते हो। क्योंकि हमने देखा वेव नंबर, मैं समराइज कर देता हूं, समरी लिख लेते हैं, वेवलेंथ क्या थी, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड दैट इज नोन एज लैम्डा, मैक्सिमम डिस्टेंस इज Amplitude. ठीक है, फिर हमने दूसरा क्या देखा, फ्रीक्वेंसी देखा, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, एक सेकेंड के अंदर कितने लैम्डा रिपीट हो रहे हैं, एंड दैट इज गिवन बाय सिंबल न्यू एंड इट इज इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेवलेंथ इज टाइम पीरियड। फिर थर्ड हमने क्या देखा, थर्ड क्या देखा था, वेव नंबर, वेव नंबर क्या था, इट इज नथिंग बट 1/ लैम्डा, 1/ लैम्डा क्यू, एक मीटर वेव लेंथ में कितने आपके वेव बैठेंगे, यस सर, दैट इज वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव फिटेड इन 1 मीटर। फिर चौथा हमने क्या देखा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज सी इक्वल्स टू लैम्डा बाय कैपिटल टी, या फिर म्यू लैम्डा, या फिर म्यू बाय म्यू बार, या इतने सारे फॉर्मूले हमने देखे। और इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, गुड, दिस इज ओनली फॉर EMR। कौन से EMR रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, अभी आपको नहीं पता, मैं अभी आपको याद करवाऊंगा, चिंता ना करिए, ठीक है, याद है, क्लियर है, यस सर। देन वी लेट्स कम टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन जैसे मैंने आपको बताया
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल होता है वो एक एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो उसके आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी विच विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। एक्चुअली प्रोपेगेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर वेव शुरू हो रही है जो चार्ज पार्टिकल है, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो उसके आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। अगर अगर ये प्रोपेगेशन से ये रहेगी तो उसकी एग्जैक्टली और ये वाई डायरेक्शन था तो ये जो डायरेक्शन है वो जेड है, ये वाई है और ये एक्स है। अगर आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन देखने ना तो अपने घर में कोई भी दीवार का कॉर्नर देखो, कोई भी एक कॉर्नर उठा लो दीवार का, उसको ध्यान दो, जो छत के ऊपर चल रहा होगा लाइन वो एक्स, जो छत के इस साइड जाएगा एक ऐसा जाएगा और एक ऐसा जाएगा और एक नीचे आएगा, तो नीचे इज जेड, ऐसा एक्स तो ऐसा वाई और नीचे वाला जेड, या फिर ऐसा समझ लो एक्स y and z, तो हमें थ्री डायमेंशन सिस्टम होता है। तो अगर x में वो आगे बढ़ रही है तो y में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो z में मैग्नेटिक फील्ड, और वो तीनों भी एक दूसरे को कितनी होगी परपेंडिकुलर होगी, ऑल थ्री विल बी एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब ऑल आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे रेडिएशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जहां पे एक चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन से तो उसके वाई में इलेक्ट्रिक बने या मैग्नेटिक बने, अगर वाई में इलेक्ट्रिक बनी तो जेड में मैग्नेटिक, जेड में मैग्नेटिक बनेगी और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, और अगर ऐसा कोई वेव बना तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रेडिएशन। क्लियर है? यस सर। जो रेडियो वेव होती है वो भी यही होती है, जो लाइट रे है वो भी यही होती है, एक्सरे है, गामा रे है, कॉस्मिक रे है, ये सारी की सारी ईएमआर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस बनती है, ठीक है। कभी कभी देखो लाइट जो होता है ना, लाइट में भी हमें अचानक से लाइट ऑन करो तो ऐसा बाय बाय पार्टिकल्स दिखते, दिखेगा कभी? यस सर। वो क्योंकि जब लाइट उससे गुजर रही होती है ना उसमें एनर्जी ट्रांसफर करती है अपनी, मतलब उसके पास भी कोई चार्ज पार्टिकल था जिसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन रहे थे जो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके आगे बढ़ा। नॉर्मली हमारे आंखें सेंस नहीं कर पाती उसको, देख नहीं पाती, बट वो होती है, उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस या ग्लासेस यूज किए जाते हैं जिसके बेसिस पे हम देख पाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रिज्म देखते हो आप, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करो सात कलर बनते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं जिसको, yes, sir. है ना। तो क्या हो रहा, प्रिज्म हमने क्यों यूज किया, जस्ट टू वो सात लाइट को स्प्लिट करने के लिए, जो एक बन के व्हाइट लाइट थी जब स्प्लिट हुआ तो सात कलर देखने को मिले जो हम आंखों से देख पा रहे हैं, क्यों, वो हमारे विजिबल रीजन में आ गए। हमारे आंखों के अंदर भी लेंस है, वो लेंस सारे वेवलेंथ नहीं देख सकता, वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ देख सकता है, तक देख सकते हैं ना। हाँ, क्या बेटा? 400 नैनोमीटर से ना 700 नैनोमीटर तक देख सकते है ना। हाँ, 400 से लेकर 760 तक, ये वो रेंज है जिसको हम एक्चुअली देख सकते हैं, इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन ये है, इसको विजिबल क्यों बोला, क्योंकि ये वो वेवलेंथ है जो हमारे आंखों के लेंस एक्चुअली देख के हमारे दिमाग को सेंस करके बता सकते हैं कि ये वेवलेंथ हमारी नोन है, ठीक है। इतना क्लियर है? एक छोटा एनिमेशन लाया हूं मैं आपके लिए, देखिए, देखो, क्योंकि मेरे डायग्राम इतने अच्छे ना हो इसके लिए मैंने अलग अलग एनिमेशन दिखा रहा हूं, देख रहे हो, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। ऑरेंज इलेक्ट्रिक फील्ड ना? हाँ, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक है तो ये मैग्नेटिक है, एक ऐसी होगी एक तो ऐसी होगी, एक अगर कोई भी एक इधर ले लो, कोई भी एक इधर ले लो, घुमा दोगे तो सर्कुलर है ना, घुमा दो ऐसे तो फिर ये इधर दिखेगी, ये इधर दिखेगी, अल्टीमेटली तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तीनों तीन अलग अलग एक्सिस पे चलनी चाहिए। समझ में आया क्या? तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ही होना चाहिए।
डन यस सर फिर एक बार देखना तो मैं दिखा देता हूँ सर वो नीचे पी क्या जा हो रहा है क्या बेटा ये सर नीचे वो पी आपके हाथ के पास हाँ वो एक्चुअली जब ये बना रहा था ना मैं एनिमेशन तो उसके लिए कुछ वैल्यूज डालनी पड़ती है ना तो वैल्यूज बढ़ रही है कम हो रही दिखा रहा है वो हाँ सर आई होप यू गॉट एन आइडिया व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है हमें आज न्यूमेरिकल्स भी करने थे ये भी हम अगले बार ही करते हैं लेट्स स्टॉप हियर टुडे क्योंकि नहीं तो आपका बायो क्लास आज छूट जाएगा सर एक क्वेश्चन था हाँ बेटा बोलो सर मैं अभी सितंबर में जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम देने जा रहा था तो केमिस्ट्री के बारे में पूछना था ओके तुझे केमिस्ट्री के बारे में पूछना था सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब रिपीट हो सकते हैं क्या बहुत रेयर एक या दो केमिस्ट्री में बहुत रेयर एक या दो बट ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाएगा तो क्वेश्चन भले रिपीट ना हो कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा अगर तुझे भले रिपीट नहीं होंगे बट कंसेप्ट जरूर रिपीट होंगे और कंसेप्ट कम से कम 75% रिपीट हो जाएंगे तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर पिछले तो 10 साल के पेपर लगा के जाता है स्पेशली कौन से वाले जो लास्ट के 2 साल में जो 8-8 सेट में हुए ना जो पिछले साल 16 पेपर हो गए ठीक है दो सेशन में हुआ था इस साल के जनवरी के 8 पेपर और हो गए 24th यही हो गए और उसके पहले के तो 10 साल के पेपर सॉल्व कर ले मतलब लगभग 35 क्वेश्चन पेपर का सेट हो जाता है 35 × 30 भी अगर तू कर रहा है तो इट्स अ ह्यूज नंबर 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं केमिस्ट्री से जो अलग अलग कंसेप्ट पे तो नहीं होंगे ऑब्वियसली बात है क्योंकि 1000 कंसेप्ट बनाना और 1000 अलग अलग कंसेप्ट पे जेईई मेंस नहीं पूछेगा हाँ अगर यही बात तू करता एडवांस की तो डेफिनेटली हर साल नया कंसेप्ट आता कंसेप्ट भी रिपीट नहीं करते वो लोग क्यों वो क्या करता है तीन कंसेप्ट मिला जुला के एक नया कंसेप्ट बनाकर देते हैं तो एडवांस में तो ये होना नहीं है बट मेंस में हर बार वो नया नया कंसेप्ट नहीं डालेंगे क्वेश्चन भले नया देंगे बट कंसेप्ट वही रहेगा और बेसिकली क्या कर कि जो तेरे टॉपिक अभी स्ट्रांग है उनको फोकस कर जो वीक है उनको भी हाथ मत लगा समय बर्बाद होगा इस चक्कर में स्ट्रांग भी बिगड़ जाएंगे ठीक है तो जो तेरे स्ट्रांग टॉपिक है उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सेट लगा एक काम कर मैम को मैसेज डाल मैं तुझे कुछ टेस्ट पेपर भी दूंगा सॉल्व करने के लिए ठीक है ओके सर थैंक यू सर ओके थैंक यू सर एंड करें थैंक यू सर सर होने वाली एग्जाम इस बार जेईई एंट्रेंस एग्जाम क्या बेटा सर एग्जाम होने वाली है जेईई की 100% होने वाली है ठीक है हां सर किसी ने चैट पे कुछ पूछा है मैंने आज चैट खोला ही नहीं था अभी देख रहा हूं एंट्रेंस होना फिक्स है नेक्स्ट मंथ सही है सर ये नीट के प्रिपरेशन के लिए यूजफुल है ना हाँ संस्कृति बेटा ये नीट के लिए भी उतने ही यूजफुल है जेईई के लिए है जो क्लासेस हम ले रहे हैं आई एम ट्राइंग टू कवर फर्स्ट बोर्ड लेवल देन आई एम मूविंग टू जेईई लेवल नीट लेवल एंड देन आई एम मूविंग टू जेईई मेंस एंड देन आई विल मूव टू जेईई एडवांस एज वेल मतलब हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे मैं देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी बेटा संस्कृति जो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगी बट ये नहीं है कि नीट के लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि मैं पहले सबसे पहले बोर्ड लेवल क्लियर करूंगा फिर नीट करूंगा फिर जेईई मेन पे जाऊंगा कभी कभी में थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है बट एक्स्ट्रा नुकसानदायक नहीं होगा क्यों जब बाकी बच्चे नीट के एग्जाम देंगे तो उनका एप्टीट्यूड लेवल तुमसे कम होगा तो अगर तुमने ये पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली वहां तुम बाकी लोगों से एक कदम आगे रहोगे यस सर क्लियर है बेटा संस्कृति मैंने हमेशा देखा जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने जेईई मेन के साथ नीट के बच्चों ने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा है उनका हमेशा से केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्कोर बाकी नीट के बच्चों से ज्यादा रहता है यस सर क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक लेवल आगे चलता है फिर ओके सर ओके बेटा ओके मैं आज यूनिट कन्वर्जेंस और कौन सा था दूसरा और कौन सा बोला था हाँ फ्रैक्शंस ये दोनों के वीडियो अपलोड करूंगा और मैडम को बोलूंगा लिंक शेयर कर दे आपसे